Hello students, in this video, we are going to discuss about a very 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 important reaction of alkenes that is addition of hydrogen halides to alkenes. Hydrogen halides beta HX, the bond between hydrogen and halogen. halogen acid The reaction is very very simple. This is some alkene, and in this when we add Hx. स इट इज एन अडिशन रिएक्शन सो द पाई बॉन्ड विल ब्रेक इन अडिशन पाई बॉन्ड ऑलवेज ब्रेक्स एंड एक पाई बॉन्ड की जगह पर हमारे पास दो सिगमा बॉन्ड्स बनते हैं सो दिस पाई बॉन्ड विल भी ब्रोकन एंड वी विल गेट दिस प्रोडक्ट एक कार्बन के पास हाइड्रोजन चला गया एक के पास हेलोजन चला गया एंड दिस इज अल्काइल हेलाइट This was alkene. So, this reaction of alkene leads to the formation of alkyl halides. For example, CH2 double bond CH2, you add HCl, you will get CH3 CH2 Cl, chloroethane. We can do any example <clears throat> CH3 CH double bond CH. सी एच थ्री यू एड एच बी आर यू विल गेट सी एच थ्री सी एच टू सी एच बी आर सी एच थ्री पाई बॉन्ड इज़ ब्रोकन एंड हाइड्रोजन गोज टू वन कार्बन एंड हैलोरोजन गोज टू द अनदर कार्बन कौन सी दो कार्बन्स जो दोनों आपस में डबल बॉन्ड बना रखी होती हैं उनके पास एक के पास हाइड्रोजन एक के पास हेलोजन द रिएक्शन इज़ वेरी सिंपल if we talk about the mechanism of reaction then mechanism is again very very simple it is two step mechanism in first step <clears throat> what happens this is alkene and this is halogen acid hx the pi electron cloud pi electron cloud attacks upon hydrogen एंड टेक्स अप द प्रोटोन फ्रॉम दिस एसिड सिंस दिस इज एन एसिड सो इट कैन रिलीज एच पॉजिटिव इस एसिड में से एच पॉजिटिव का रिलीज हो सकता है बिकॉज एसिड्स क्या होते हैं जो एच पॉजिटिव रिलीज करें दे आर कॉल्ड एसिड्स सो इसमें से एच पॉजिटिव निकला ठीक है वो एच पॉजिटिव वन ऑफ दीज टू कार्बन एटम्स इन दोनों में से किसी एक कार्बन के ऊपर जाके लग जाएगा और पाईबॉन्ड विल ब्रेक वी विल गेट दिस थिंग मान लो कि हाइड्रोजन इसके पास आ गया और इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज वाइस सो बिकॉज ये पाईबोंड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस कार्बन ने लिए वी हैव शोन के पाईबॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन के पास आ गए कार्बन के ऊपर आया नेगेटिव चार्ज एच पॉजिटिव उसके साथ कंबाइन कर गया सो दिस कार्बन हैज एक पॉजिटिव चार्ज दिस इज कार्बोकटाइन तो मैकेनिज्म में कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन होगी एंड वॉट इज स्टेप टू स्टेप टू इज वेरी वेरी सिंपल कि ये जो कार्बोकट आयन बना है उसके ऊपर हेलाइड आयन पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के ऊपर अटैक करेगा एंड वी विल गेट द फाइनल प्रोडक्ट एल्काइड हेलाइट ये बन गया देखो दिस इज द मैकेनिज्म फर्स्ट स्टेप में प्रोटोन अटैक सेकेंड स्टेप में हेलाइड आय अटैक सिंपल हाँ जी इसके बाद बेटा जो हमने इस रिएक्शन के अंडर स्टडी करना है वो है मार्कोवनिकॉफ रूल वाट इज दिस मार्कोवनी कॉफ रूल दिस रूल इज़ टू बी एम्प्लॉयड वेन द एल्कीन इज अनसिमिट्रिकल दिस इज सिमिट्रिकल एल्कीन दिस इज ऑल्सो समिट्रिकल एल्कीन मिट्रिकल एल्कीस कौन से होते हैं जिनकी डबली बॉन्डेड कार्बन सेम होती हैं जो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स होती हैं अगर उनके ऊपर दोनों के ऊपर सेम एल्काइल ग्रुप लगे हों तो वो होती है सिमेट्रिकल एल्किन नाउ वी आर गोइंग टू टेक एग्जाम्पल ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्किन फॉर एग्जाम्पल सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू अगर हम इसमें एच सी एल एड करेंगे नाउ टू प्रोडक्ट्स विल बी पॉसिबल फर्स्ट प्रोडक्ट इज सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एल एंड सेकेंड इज सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री सी एल ये दो प्रोडक्ट्स अलग अलग पॉसिबल हैं तो रिजुअल एक्टिविटी इस रिएक्शन की क्या कहती है कि इन दोनों में से वन विल बी मेजर एंड वन विल बी द माइनर नाउ हाउ डू वी डिसाइड विच इज मेजर विच इज माइनर वी फॉलो द मारकोवनिक ऑफ रूल मारकोवनिक ऑफ रूल स्टेट्स दैट वेन to unsymmetrical alkenes some substrate is added or yes, some reagent is added in unsymmetrical alkene the negative part of the reagent is attached to that carbon atom which possesses less number of hydrogen atoms जो अटैकिंग रिएजेंट है दिस इज अटैकिंग रिएजेंट दिस इज अनसिमेट्रिकल एल्किन अटैकिंग रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन होते हैं तो नेगेटिव पार्ट कौन सा है सी एल नेगेटिव और कम हाइड्रोजन है इसके पास कौन सी दो कार्बन की बात करनी है जो डबल बॉन्ड से जुड़ी हुई हैं सी एल नेगेटिव विल गो टू दिस कार्बन एंड एच विल गो टू दिस कार्बन सो अकॉर्डिंग टू मारकॉवनील दिस इज द मेजर प्रोडक्ट and this is the minor product so ye hamara markovnikov rule hai iske alawa hum aur bhi example kar lete hain just ch3 c double bond ch2 ch3 hbr add kara humne to तो markovnikov rule ke accordingly br negative इन दोनों कार्बन में से उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है तो इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है इसके पास दो हैं तो बी आर नेगेटिव इसके पास जाएगा सी एच थ्री सी सी एच थ्री बी आर सी एच थ्री दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट अगर आपने दूसरे वाला भी लिखना है तो आपको मेजर माइनर मेंशन करने पड़ेंगे अगर आपने दूसरे वाला नहीं लिखना फिर आपका ऐसे चल जाएगा आप एक ही प्रोडक्ट लिखो दिस इज इन अकॉर्डेंस विद द मार्क ऑवनिक नेक्स्ट बेटा वी आर गोइंग टू गिव द थ्रेटिकल जस्टिफिकेशन ऑफ दिस रूल कि इस रूल के पीछे बेसिस क्या है क्यों ऐसा होता है कि नेगेटिव पार्ट जो है वो उस कार्बन के पास जाता है जिसके पास हाइड्रोजन कम होते हैं और पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाता है जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं तो बेटा ये इसके पीछे जो जस्टिफिकेशन वो है फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल कार्बोकेटायन ड्यूरिंग द मैकनिज्म ऑफ रिएक्शन या ड्यूरिंग द रिएक्शन कुछ भी कह सकते हो दिस इज द रीजन बिहाइंड मार्कॉवनीकॉफ रूल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं यही एग्जाम्पल लेते हैं सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू लेट एस टेक एग्जाम्पल ऑफ प्रोपीन ठीक है इसमें हमने ऐड करा मान लो इसमें हमने एच सी एल ऐड करा तो हम दोनों स्टेप्स लिखेंगे पहला स्टेप क्या होता है इसमें वॉट इज द हम दो अलग अलग रिएक्शंस करके दिखा रहे हैं अभी चलो ऐसे कर देते हैं फॉर्मेशन ऑफ टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स मैंशनिंग द मैकेनिज्म ऑल्सो तो पहले मैकेनिज्म में हम क्या करते हैं कि हम H पॉजिटिव इस कार्बन को देते हैं क्योंकि पहले स्टेप में एच पॉजिटिव जाता है किसी एक कार्बन के पास मान लो ये बॉन्ड टूटा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ये इस सेंटर वाली कार्बन के पास आ गए तो हमारे पास क्या बनेगा सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू पॉजिटिव दिस कार्बोकटन विल बी फॉर्म से दिस इज कार्बोकटाइन नंबर वन और सेकेंड जो पॉसिबिलिटी है वो ये बनेगी फिर सी एच थ्री सी एच पॉजिटिव सी एच टू सॉरी यहाँ पे सी एच थ्री हो गया ये आ गया मतलब H पॉजिटिव हैज गॉन टू दिस कार्बन पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स दोनों ये कार्बन ले गया ऐसे करके तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज H पॉजिटिव यहाँ पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया मान लो ये है कार्बोकोटाइन नंबर टू अभी इसके ऊपर जब सी एन नेगेटिव अटैक करेगा तो हमारे पास ये फाइनल प्रोडक्ट आएगा और इसके ऊपर जब सी एल नेगेटिव अटैक करेगा एंड वी विल गेट दिस फाइनल प्रोडक्ट This is uh, chloropropane. This is 2 chloropropane. And we know that this is major according to Markovnikov rule. And this is minor. Now, why so? Aisa kyun hua? hwa major cube because carbocation number 2. Carbocation 2 is much more stable than. फर्स्ट कार्बोकोटाइन वाई सो क्योंकि ये है सेकेंडरी कार्बोकोटाइन दिस इज सेकेंडरी कार्बोकोटाइन एंड दिस इज प्राइमरी कार्बोकोटाइन और हमें पता है लोअर क्लासेस से दैट सेकेंडरी कार्बोकोटाइन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकोटाइन सो ये नहीं बनेगा बहुत कम अमाउंट में बनेगा जब आप प्रोपीन में एच सी एल डालोगे ना दिस कार्बोकोटाइन विल बी फॉर्म बिकॉज दिस इज मोर स्टेबल दिस विल बी फोर्म्ड इन वेरी माइनर क्वान्टिटी तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली ये प्रोडक्ट बहुत कम बनेगा लेकिन क्योंकि ये कार्बोकोटाइन ज्यादा अमाउंट में बन रहा है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली दिस प्रोडक्ट विल बी द फाइनल एंड मेजर प्रोडक्ट ये है थेरेटिकल जस्टिफिकेशन और रीजन बिहाइंड द लॉजिक बिहाइंड द मारकोवनिकॉफ्रूट इसके बाद बेटा आप कोई भी रिएक्शन के ऊपर इसको अप्लाई कर सकते हो इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आस्पेक्ट है वो है एंटी मार्कोवनिक रूल एंटी मार्कोवनिक ऑफ रूल विच इज ऑल्सो कॉल्ड परोक्साइड इफेक्ट इसको हम पैरॉक्साइड इफेक्ट भी बोल देते हैं और खराश इफेक्ट भी बोलते हैं इट इज कॉल्ड परोक्साइड इफेक्ट एज वेल एज खराश इफेक्ट <coughs> तो यही इसका वैसे मेन नेम चलता है मार्कोवनिक ऑफ रूल के एंटी चलेगा ये मतलब जो नेगेटिव पार्ट होगा अटैकिंग डी एजेंट का वो उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं लेकिन एंटी मार्कऑबनिक रूल फॉलो करने की एक शर्त है एक्चुअली दो कंडीशन है एक तो ये एडिशन ऑफ एच बी आर ओनली कि सिर्फ़ एच बी आर की एडिशन टाइम ही ये एंटी मार्कोवनिक रूल फॉलो होगा वो भी कब इन द प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड अगर कोई परोक्साइड आएगा साथ में तब ही एंटी मार्कोवनिकोफ्रूल फॉलो करेगा एच बी आर अगर परॉक्साइड नहीं आया तो फिर एच बी आर जो है वो भी मार्कोवनीकोफ्रूल ही फॉलो करता है एचबीआर और परॉक्साइड दोनों की कंबाइंड प्रेजेंस अगर आप देखोगे एल्कीन में हम ऐड कर रहे हैं तो डेफिनेटली एंटी मार्कोवनिक ऑफ रूल ही फॉलो होएगा मार्कोवनिक ऑफ रूल फॉलो नहीं होएगा इन दोनों में से एक भी मिसिंग है तो मार्कोवनिकॉफ एच सी एल के साथ परॉक्साइड डाल दो मार्कोवनिक ऑफ एच आई के साथ परॉक्साइड डाल दो मार्कोवनिकॉफ एच बी आर अकेला डाल दो मार्कोवनिक ऑफ ये दोनों इकट्ठे आएंगे तो एंटी मार्कोबनिक ऑफ फॉर एग्जाम्पल यही प्रोपीन की एग्जाम्पल ले लो सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू यू एड एच बी आर एंड यू एड सी एच थ्री टाइस पर ना क्या होता है दिस इज द जनरल फॉर्मला फॉर परऑक्साइड आर ओ ओ आर दिस इज सम ऑर्गेनिक समर्गेनिकॉक्साइड अल्काइल ये आर कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है तो दो आर और दो ऑक्सीजन ऐसे लिख दिया हमने इसको कंबाइन करके तो यू विल गेट दिस प्रोडक्ट एज मेजर प्रोडक्ट वन ब्रोमो प्रोपेन विल बी द मेजर प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ टू ब्रोमो प्रोपेन जैसे देख लो यहां पर प्रोपीन में एच सी एल डाला था तो टू ब्रोमो टू क्लोरो प्रोपेन वॉज मेजर बट एच बी आर अकेला डालते तो टू ब्रोमो प्रोपेन वॉज द वुड हैव बीन द मेजर प्रोडक्ट बट एच बी आर के साथ परसाइड आया तो एंटी मार्कोवनिको फ्रू लगा नेगेटिव पार्ट गया उस कार्बन के पास जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है ये एंटी मार्कोवनिक ऑफ रूल है एंटी मार्कोवनिक ऑफ रूल के पीछे जो रीज़न है कि ऐसा क्यों होता है कि एच के साथ जब हम परऑक्साइड डाल देते हैं तो फिर जो बी है वो उस कार्बन के पास जाता है जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं उसके लिए हमें पहले एंटी मार्कोवनिक ऑफ रूल के पीछे जो मैकेनिज़्म है उसको पढ़ना पड़ेगा तो मैकेनिज़म क्या है इसके पीछे एडिशन ऑफ एच बी आर इन द प्रेजेंस ऑफ a इज अ फ्री रेडिकल बात को समझने की कोशिश करियो जो हमने पहले मैकेनिज्म पढ़ा वो फ्री रेडिकल नहीं था उसमें कार्बोक्टाइन बनता था देर वॉज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकोटाइन इन दिस अडीशन देअर विल बी फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल क्योंकि जो परोक्साइड होते हैं ना वो लाइट को जब एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो वो फ्री रेडिकल्स में टूट जाते हैं तो मैकेनिज्म में आपको समझाता हूँ। इसमें फर्स्ट स्टेप क्या होगा मैकेनिज्म में कि जो परऑक्साइड होगा दिस इज परसाइड जब इस पे लाइट पड़ती है वो रेडिकल्स में ब्रेक हो जाता है इट गिवज अस रेडिकल्स तो रेडिकल को हम आर डॉट लिख लेते हैं आर फॉर रेडिकल डॉट फॉर डॉट शोज द रेडिकल सिंगल इलेक्ट्रॉन सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि ये जो रेडिकल है ये एच बी आर के बॉन्ड की होमोलिसिस करवाता है होमोलिटिक क्लीवेज इन दिस वे और हाइड्रोजन को अपने साथ कंबाइन करवा के हेलोजन रेडिकल क्रिएट करता है दिस इज द डिफरेंस यर कम्स द डिफरेंस के परोक्साइड जो होता है वो लाइट को एब्सॉर्ब करके रेडिकल में टूट गया और ये जो रेडिकल बनते हैं ये एच बी आर के बॉन्ड की होमोलिटी क्लीवेज करवा के एच डॉट को अपने साथ कंबाइन करवा लेते हैं और बी आर डॉट रह गया अकेला नॉ दिस इज द अटैकिंग स्पीशीज ये अभी हमारे पास अटैकिंग स्पीशीज है रिएक्टिव स्पीशीज दिस विल अटैक अपॉन द एलकीन ये पाई बॉन्ड की होमोलिटिक क्लीवेज करवाएगा और इसके पास डॉट इसके पास डॉट किसी एक के पास ये जाके लग जाएगा मान लो यहाँ पे लग गया और यहाँ पर डॉट आ गया ठीक है फिर लास्ट में क्या होएगा कि ये जो हमारे पास अल्काइल हेलाइट का एल्काइल रेडिकल बना ये फ्रॉम अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एच बी आर बिकॉज चेन स्टार्ट करनी है अभी हमने जब फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं तो चेन ऑफ रिएक्शन स्टार्ट इट इसकी अगेन होमोलिटिक क्लीवेज परऑक्साइड के रेडिकल का, का काम सिर्फ एक एच को ब्रेक करने का होगा बस उसके बाद रेडिकल का, का काम खत्म सारे एच अपने आप फर्दर ब्रेक करी जाएंगे क्योंकि ये जो रेडिकल है ये एच को ब्रेक करेगा और हाइड्रोजन ले लेगा ले वहां से इन दिस वे एंड वी विल गेट

इन द प्रेजेंस ऑफ फरोक्साइड टू द अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं और आपको क्लियर हो जाएगा ये प्रोपीन की एग्जाम्पल लेंगे कि वन ब्रोमो प्रोपीन फिर कैसे बनाए इस मैकेजम को फॉलो करके सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू इसमें हमने सबसे पहले क्या किया इसमें हमने ये एच बी आर डालना है इन द प्रेजेंस ऑफ परसाइड और फाइनल प्रोडक्ट देखेंगे क्या बनेगा तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा peroxide की डिसोसिएशन आप कोई भी ले सकते हो हम यहाँ पर बेंजोइल परोक्साइड ले रहे हैं या कोई भी आप एल्काइल ले लो जनरल मैं आपको जनरल मिथाइल वाला सिंपल लेके दिखाता हूँ सी एच थ्री ओ ओ सी एच थ्री इन द प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन दो रेडिकल बने ठीक है निकल जाएगा या अगर हम ओ को बाहर नहीं भी निकालते तो हमने जस्ट रेडिकल शो करना कि ये रेडिकल बन गया ठीक है अभी ये रेडिकल क्या करेगा एच बी आर के मॉलिक्यूल में से एच डॉट ले लेगा जो रेडिकल्स बनते हैं वो किसी भी तरह के बन सकते हैं बेटा ये रेडिकल अपने आप को चेंज भी कर सकते हैं हमें रेडिकल से मतलब है पर ने रेडिकल दिया वो रेडिकल एच में से एच डॉट लेके बी डॉट को सेपरेट कर दिया फिर ये बी आर डॉट क्या करेगा अभी हमारा जो प्रोडक्ट का डिसीजन इस थर्ड स्टेप में लिया जाएगा सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू प्लस बी आर डॉट तो अभी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक करेगा या तो बी आर डॉट इसके पास चला जाए या बी आर डॉट इसके पास चला जाए हम दोनों बना लेते हैं सी एच थ्री सी एच बी आर सी एच टू रेडिकल प्लस सी एच थ्री सी एच रेडिकल सी एच टू बी आर से दिस इज रेडिकल वन एंड दिस इज रेडिकल टू और इन दोनों में से रेडिकल टू इज मोर स्टेबल देन रेडिकल वन वाइस हो ऐसा क्यों क्योंकि वो सेकेंडरी रेडिकल है फ्री रेडिकल और वो प्राइमरी है और सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज़ मोर स्टेबल देन प्राइमरी तो अगर ये मोर स्टेबल है तो दिस विल बी मेजर एंड दिस विल बी माइनर सो हम लास्ट स्टेप फिर मेजर के साथ ही करके दिखाएंगे बिकॉज ये तो बहुत कम बना ना इट इज़ फॉर्म्ड इन वेरी लेस क्वांटिटी ये ज़्यादा बना तो सी एच थ्री सी एच सी एच टू बी आर ये डॉट और इसमें एच बी आर का अनदर मॉलिक्यूल एंड यू विल गेट सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू बी आर प्लस बी आर डॉट फॉर फर्दर रिएक्शन सो दिस इज ब्रोमो प्रोपेन आप देख सकते हो यही मैंने बताया था आपको जब हमने इसके एंटी मार्कोवनिकोव ऑफ रूल की एग्जाम्पल करी थी तो ये रीज़न है कि इसमें जो एडिशन एच बी आर की हम कर रहे हैं वो फ्री रेडिकल एडिशन बन रही है वो Uh, कार्बोक्राइन की फॉर्मेशन नहीं होती उसमें फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होती है नाउ लास्ट आस्पेक्ट इज़ कि एच बी आर के साथ ही क्यों एंटी मार्कॉवनिकॉफ रूल फॉलो होता है एच और एच के साथ क्यों नहीं होता एच तो चलो रिएक्शन नहीं ना करता है एच एफ इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एच एफ इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मॉलिकुल सो इट डज नॉट डिसोसिएट ईजली एच और एच में क्या प्रॉब्लम है अगर हम एच की बात करें इफ़ यू टॉक अबाउट एच तो एच उसके बाद नीचे आएगा एच उसके बाद एच आई है, है, ऐसे होती है ना सीरीज़ एच सी एल इज़ मोर स्टेबल देन एच बी आर एच सी एल की बॉन्ड लेंथ एच बी आर की बॉन्ड लेंथ से कम है जिसके वजह से एच सी एल जो होता है वो स्ट्रॉन्गर है एज़ कम्पेयर टू एच बी आर तो जो रेडिकल्स होते हैं वो एच सी एल को डिसोसिएट नहीं कर पाते बिकॉज एच सी एल इज़ स्ट्रोंगर दैन एच बी आर ड्यू टू स्मॉलर बॉन्ड लेंथ उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है तो परोक्साइड्स दे फेल द फ्री रेडिकल्स दे फेल टू डिसोसिएट द बॉन्ड बिटवीन एच सी एल तो ये रूल आउट हो गया फिर बात आई एच आई की कि एच आई का तो बॉन्ड बहुत वीक है एच बी आर के मुकाबले एच आई का बॉन्ड इज़ वेरी वेरी वीक तो फ्री रेडिकल्स इनको तो तोड़ सकते हैं हाँ तोड़ सकते हैं ये जो फ्री रेडिकल है अगर यहाँ पे एच आई होएगा तो ये रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पे आई डॉट बनेगा लेकिन जो आई डॉट है वो क्या करता है वो एल्कीन के ऊपर अटैक करने की बजाय किसी और आई डॉट के साथ कंबाइन करके आई टू बना देता है आई डॉट दीज रेडिकल्स कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म मॉलिक्यूलर आयोडीन इंस्टेड के एच आई डॉट जो है वो एल्कीन के ऊपर अटैक करे आई डॉट आई डॉट के साथ कंबाइन करके आई टू मॉलिक्यूल बना दिया अगर आई टू मॉलिक्यूल ही बन गया तो फिर आई डॉट तो रहा ही नहीं अगर आई डॉट नहीं रहा यहाँ पे आई डॉट नहीं रहा तो एल्किन के ऊपर अटैक करके अल्काइल कैसे बन सकता है तो इसलिए एच सी एल एच आई और एच एफ ये तीनों एंटी मारकॉबनिकोफ रूल को फॉलो नहीं करते हैं सो दिस इज ऑल अबाउट दिस रिएक्शन एडिशन ऑफ एच एक्स इन एल्किन्स